अब हम समझते हैं कि कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ कॉमर्स एक्चुअली, जो हम कॉमर्स समझते हैं उस कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस की टर्म में कॉमर्स का मतलब क्या है, राइट? तो कॉमर्स का मतलब है कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच आर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। कॉमर्स को मैं सपोर्टिंग एक्टिविटी भी बोल सकता हूँ, जैसे कि कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हो, इसका मतलब आप कॉमर्स में डील करते हो। कम्युनिकेशन में जो टेलीकॉम कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, समझ आइए, कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं। एडवर्टीजमेंट, जो मीडिया का काम करते हो, आप प्रमोशन करते हो, ठीक है, यानी आप कॉमर्स में डील करते हो। तो अगर ओवरऑल बात करें फंक्शन ऑफ कॉमर्स क्या है, कॉमर्स क्या करता है, तो दीज आर द सिक्स पॉइंट दैट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, ध्यान से समझना इसके क्या फंक्शंस है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है, हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, जो दो दूरियां बनी हुई हैं उसको कम कर रहा है, समझ रहे हो। हिंड्रेंसेज का मतलब है लोगों को जोड़ने का काम करता है, जैसे मान लो अगर टेलीफोन नहीं होता तो मैं आपसे बात कैसे कर पाता, समझ रहे हो, अगर जूम मीटिंग नहीं होती, वेब लिंक नहीं होता, समझ रहे हो, गूगल मीट नहीं होता, राइट, दीज आर द पोर्टल जिसके थ्रू मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। तो ये कॉमर्स है, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रही है वो कॉमर्स का काम कर रही है। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेसेस, दूसरा पॉइंट है प्लेसेस, दो दूरियों को कम कैसे कर रहा है, दो, जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा टी कहाँ बनाती है, उसके प्लांट्स कहाँ पे हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, लेकिन उसका जो प्लांट है सभी लोग उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं ना होल ओवर इंडिया में, राइट, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रही है, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेसेस, दूरियों को कम कर रहा है, राइट। रिमूवल ऑफ, थर्ड पॉइंट है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ टाइम, टाइम के गैप को मेंटेन कर रहा है, टाइम के गैप को मेंटेन कर रहा है। सपोज जो ट्रांसपोर्ट, जो वेयर हाउसिंग सर्विसेज हैं, वेयर हाउसिंग कंपनियां क्या करती हैं, आपका गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ जनवरी में, उसकी आपको यूज़ होगा, कंजम्पशन होगा अप्रैल मार्च में, तो तब तक क्या कर सकते हो आप, वेयर हाउसिंग सर्विसेज का यूज़ करके आप गुड्स को सिक्योर कर सकते हो उस टाइम तक, सही, सेफ्टी तरीके से। तो यानी रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब प्रॉब्लम्स को कम करता है, टाइम की प्रॉब्लम, ताकि आपका गुड्स एक्सपायर ना हो, पेरिशेबल ना हो जाए, राइट। रिड्यूस रिस्क, रिस्क को कम करता है, रिस्क किसका हो सकता है, रिस्क हर चीज़ का, मैंने गुड्स बना लिया सेल नहीं हो रहा तो रिस्क है, तो मार्केटिंग उसकी हेल्प करता है, मैंने गुड्स बना लिया लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, मैं गुड्स को कैसे भेजूं, तो ये रिस्क को शेयर करता है कॉमर्स, राइट। हिंड्रेंसेज ऑफ फाइनेंस, आप देखो जो बैंकिंग कंपनीज है, NBFCs हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर करती हैं, अगर बैंक्स नहीं होते लोगों को लोन नहीं मिल पाता, लोगों को क्या नहीं होता, अमाउंट प्रॉब्लम हो जाती, दे कुड नॉट कैप देयर मनी सिक्योर। तो बैंकिंग क्या कर रहा है, कॉमर्स का काम कर रहा है, जो हमारे फाइनेंस को, बैंक पैसों को मैनेज कर रहा है, राइट, हमारे फंड्स को मैनेज कर रहा है। और क्या करता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स, एजुकेट करता है कस्टमर्स को, एजुकेट करता है कस्टमर्स को। अब कस्टमर कोई भी हो सकता है, मैं और आप भी कस्टमर्स हैं, ठीक है। टेलीकॉम कंपनियां क्या कर रही हैं, कस्टमर को अवेयर कर रही हैं, समझ लो, जैसे कि मान लो जो COVID-19 आजकल चल रहा है, तो सबकी कॉलर ट्यून में क्या लगा हुआ है, समझ लो, COVID-19 का वो लगा हुआ है कि प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। तो कॉमर्स क्या है, एक तरीके से एक एजुकेट भी करता है कस्टमर को, सिर्फ बिजनेस का काम नहीं कर रहा, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहा है। तो दिस इज शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द कॉमर्स, कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या करता क्या है, ये दूरियों को मिटाता है, समझ रहे हो, टाइम के गैप को फिल करता है, रिस्क को शेयर करता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एजुकेट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्स, राइट।